जी मस्जिद अल हराम और ये है जी दी फेमस क्लॉक टावर। क्या आपको पता है जो क्लॉक टावर है इसके अंदर एक देसी रेस्टोरेंट भी है जिसमें आपको चटपटा खाना मिलता है। Look at the cute sambosa, small sambosa। हमारे अक्सर लोग आके यहाँ पे शिकायत करते रहते हैं कि भाई मस्जिद हराम के आसपास मसालेदार खाने नहीं मिलते। ये हमने मिर्ची ली, ये मसाला थोड़ा सा उसके ऊपर डाला, चावल को मिक्स किया, यहाँ से हमने थोड़ी सी चिकन की तरह हुई। अब इसके अलावा मेरे नजदीक बेस्ट बर्गर, दी बेस्ट पिज्जा और दी बेस्ट शोरमा मस्जिद हराम के आसपास कहाँ मिलता है? वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। आज दूसरा दिन है मक्का में और अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको व्यू दिखाएंगे, लेकिन व्यू से भी पहले नीड टू चेंज, वो भी चुटकी में। इसी नाम तैयार हो गया। अलबत्ता ये वाला जो शीशा है ना, ये वाला जो शीशा है ना यार, ये मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है हमेशा, कि आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। लेकिन अब दी व्यू ये है जी, ब्यूटीफुल सा व्यू, सुभान अल्लाह। कुछ अरसा पहले ये जो आपको मकान यहाँ कच्चे कच्चे मकान नजर आ रहे हैं ना, इसी टाइप के मकान हुआ करते थे इस पूरे एरिया में, और ये पूरे पहाड़ तोड़ के ना ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और कुछ ही अरसे के बाद यहाँ पे लंबे लंबे टावर्स होंगे, स्काई स्क्रैपर्स। जिससे ये आप देख रहे हैं, ये है, ये एड्रेस होटल है, और इस होटल में ये ब्रिज है, और इस ब्रिज में एक मस्जिद है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन मस्जिद अल हराम के साथ है, और मस्जिद अल हराम वो उस साइड पे वहाँ पे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, काफी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ मक्का के अंदर मस्जिद हराम के पास। लेट्स गो टू अवर मेन टॉपिक नाउ। ये लाइट्स जो है ना ऑटोमेटिक ऑन होती हैं, क्योंकि मस्जिद हराम में थोड़ा सा साउंड ज्यादा होगा बाहर से, तो हमने ये इस्तेमाल करेंगे DJI का माइक्रोफोन ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी रह सके। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग द माइक। पहली जो वीडियो होगी ना वो शोरमे की होगी, शोरमे के बारे में बताएंगे। लेकिन ये हमारा होटल था, ये पूरा रास्ता चल के वो सामने वो वहाँ पे मस्जिद हराम है, वहाँ पे हमें जाना है। पहला मीनार नजर आ गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना हवा ठीक ठाक तेज चल रही है, इट्स अमेजिंग हवा। बालों की हालत देखे ना, ये नई एक्सटेंशन हो रही है मस्जिद हराम की, ये दो नए मीनार बन रहे हैं, क्लॉक टावर पर ये दारो तोहीद, और इसके बिल्कुल सामने वो वहाँ पे जी वो शोरमा है। द बेस्ट शोरमा है कि नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है इनका शोरमा। ये है जी दारो तोहीद, और इसके बिल्कुल सामने ये है जी शोरमा, शोरमा। अस्सलाम वालेकुम, आती है इतने दजा शोरमा सगीर इतने। यहाँ पे जी दो शोरमे होते हैं, एक 12 रियाल का होता है, एक 8 रियाल का होता है। मैंने जो है ना 8 रियाल का लिया हुआ है। ताज़ा सभी, ये है जी शोरूम है इतना बड़ा माशाल्लाह, चिकन का चिकन शोरमे हो गए हैं जी हमारे। लेकिन यहाँ पे ये बताना लाजमी है कि शोरमा सिर्फ आपको चिकन का मिलेगा, मटन का नहीं मिलेगा। तो दो चिकन के शोरमे ले लिए, रिव्यू जल्दी आएगा। लेकिन अभी हम जाएंगे क्लॉक टावर के अंदर, मस्जिद हराम की सफाई देखें कैसे कर, जबरदस्त। ये शैंडेलियर्स कितने खूबसूरत हैं, इज़न्ट इट। हमने वो वहाँ पे ऊपर जाना है, ऊपर जाने के जी दो तरीके कार होते हैं, तो एस्केलेटर दूसरा एलिवेटर। एस्केलेटर आर बेटर देन एलिवेटर, क्योंकि एलिवेटर में काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज मक्का मुकर्रमा का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और विंडी लिखा हुआ है। थर्ड फ्लोर तक वो वाला एलिवेटर लाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे साइड पे आपको आना पड़ता है। ये एस्केलेटर होता है जो आपको 4th फ्लोर पे ले जाता है। पहुँच गए थे हम 4th फ्लोर पे। बेसिकली 4th फ्लोर पे इतना रश नहीं रहता सिर्फ आए अलबेग के, क्योंकि अलबेग जब से यहाँ पे आया तब से बहुत ज़्यादा रश शुरू हो गया। ये हैं जी पिज्ज़ा वाले 4th फ्लोर पे, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सबारो न्यूयॉर्क पिज्ज़ा। ये सारी आइटम्स होती हैं इनके पास, पास्ता पता नहीं क्या ना क्या। अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज द पिज्ज़ा पर स्लाइस? सॉरी 17 रियाल। फ्रॉम देयर फर्स्ट वी हैव टू टेक द स्लाइस। पहले आपको स्लाइस चूज करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट करनी पड़ती है, पहले ऐसा नहीं था। खैर हम लोग चूज करेंगे। कैन यू गिव मी 1 चिकन रंच स्लाइस एंड 1 पेपरोनी एंड 1 मार्गरिटा। These 3. No drinks. 51. 50 चाय के 3 स्लाइस। थैंक यू। ये हमारे हो गए जी, पिज्ज़ा भी हो गए। ये जी इंडियन किचन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंडियन कुजीन।
और ये सारी डिशेज हैं इनके पास, मसलन दजाज टिक्का मसाला, फैमिली बिरयानी, चिकन बिरयानी, श्रिंप बिरयानी, बीफ बिरयानी। वाह जबरदस्त। क्लॉक टावर में आपको जी समोसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5000 का समोसा है। कैन आई हैव वन चिकन बिरयानी? डू यू हैव इन प्लेट? हां ओके, वन चिकन बिरयानी। व्हाट इज दिस मसाला कॉम्बो? कैन यू गिव मी बटर चिकन एंड बिरयानी? थैंक यू। हमें जी ये कॉम्बो मिला है 49 रियाल का। इस रेस्टोरेंट की सिर्फ एक चीज़ ये है कि थोड़ा कॉर्नर के ऊपर आपको ढूंढना पड़ता है, बिल्कुल एक साइड पे आया हुआ है। बो शाक, ये लोगो है जी पिंक सा। थैंक यू। चलें जी, इंडियन खाना भी हो गया हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ्रेश बर्गर की मैं बात कर रहा था ना, वो ये वाले बर्गर वाले हैं, माग मा बर्गर। इनका बर्गर फ्रेश होता है, कम्प्लीटली फ्रेश। तीन टाइप के बर्गर होते हैं इनके पास, मैंने जो लिया है ना वो डबल लिया है, ये वाला। ये देखें जी फ्रेश बन रहे, अमेजिंग। और इसका इस तरह हमारा जो है ना मगमा बर्गर भी तैयार हो गया, बीफ बर्गर। ये वाली जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जी, ये मस्जिद अल हराम है और ये मेन गेट है अपना क्लॉक टावर का, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट पे आपको नहदी मिलती है। यहाँ पे आपको सारी दुआएं सब कुछ मिल जाती हैं, प्लस देखें सामने व्हील चेयर हैं, यू कैन गेट व्हील चेयर फ्रॉम हेयर, यू कैन बाय व्हील चेयर फ्रॉम हेयर। हम लोग होटल रूम में पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गर्मियां स्टार्ट नहीं हुई लेकिन गर्मी ठीक ठाक गर्मी है। बाल थोड़े सेट कर लें। गर्मी सुबहानल्लाह इतनी ज़्यादा थी कि मैं पसीना पसीना हो गया, और हवा इतनी ज़्यादा थी कि बाल बिल्कुल ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। ये हैं जी सारी आइटमें जो हमने लाई हैं, और आई एम श्योर इन सब में सबसे ज़्यादा इसका रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मसालेदार चीज़ें हरम के आसपास मिलना काफ़ी मुश्किल होती हैं। इसको लास्ट में करते हैं, साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शोरमे से, जो सबसे पहले हमने लिया था। यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि भाई शोरमा जो है ना उनके पास सिर्फ और सिर्फ चिकन शोरमा है, पहले भी बताया हुआ है, और अगेन चिकन शोरमे के साथ ये हमें दो चीज़ें देते हैं, एक केचप और एक माइनस। वैसे उधर कनाडा में एक आदमी है जो हमेशा कहता रहता है भाई शोरमे के साथ जो है ना केचप नहीं खाई जाती, इधर देते हैं अलबत्त। अपेरेंटली शोरमे का साइज़ थोड़ा छोटा है जो आपको मार्केट में मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स हरम के पास, मस्जिद अल हराम के पास 8 हल का शोरमा मिलना इज रियली गुड। ओए शोरमा नीचे गिना है। हाँ अगेन शामी खुब्ज है, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने मिक्स की हुई हैं, चिप्स, लेटस और चिकन शोरमा। क्वांटिटी माशाल्लाह ज़बरदस्त है इसकी। केचप टेस्ट को दोबारा करने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाह। टिपिकल शोरमा जैसा शोरमा होना चाहिए, अच्छी प्राइस में, इट्स रियली 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 गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मगरब की नमाज़ काफ़ी नज़दीक पहुंच रही है, इसलिए जो है ना जल्दी में वीडियो ख़त्म करते हैं और मगरब की नमाज़ के लिए जाते हैं इंशाल्लाह। याद है ये बर्गर लिया था हमने, द मोस्ट फ्रेश बर्गर जो आपको मिल सकता है क्लॉक टावर के अंदर। ओ सुभान अल्लाह, लुक एट इट बॉस, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। बन उसके अंदर पिकल, पिकल के साथ ये लेटस डाला हुआ, और नीचे दो पैटीज हैं बर्गर की विद चीज़। सुभान अल्लाह। क्या आपको पता है क्लॉक टावर के अंदर या मस्जिद अल हराम के जितने भी आसपास रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं उसके अंदर गैस का ओवन नहीं अलाउ, ये सारे जो है ना इलेक्ट्रिक के ओवन पे बनाते हैं। ये बन और ये बर्गर और ये पैटीज, इसका भी यही सीन है। डिलीशियस। ये बर्गर दुनिया के दी बेस्ट बर्गर के साथ इजीली मुकाबला कर सकता है, आराम व सुकून के साथ। मुझे रियली रियली इनका बर्गर बहुत अच्छा लगता है यार। यहाँ पे एक और स्मैश बर्गर हुआ करता था, बट वो इन दिनों रेनोवेशन के लिए था। लास्ट टाइम जब मैंने इनको ट्राई किया था, सो आई फॉरगॉट कि यार वो भी बर्गर का प्लेस है यहाँ पे। आई रियली लाइक देयर बर्गर। अब बारी आ गई है तीन मुख्तलिफ जो पिज्जे हमने लिए थे। वाह जबरदस्त, मज़ेदार। आप कहेंगे कि यार टेस्ट करने से पहले मज़ेदार कैसे कह सकते हो, तो मैंने इनका पिज़्ज़ा पहले टेस्ट किया हुआ है इसीलिए मैं कह रहा हूँ मज़ेदार। लेकिन तीनों पिज़्ज़ों में से मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ वो भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ये है जी चीज़ का पिज़्ज़ा जिसको कहते हैं मार्गरिटा, और ये है जी रेंच, आई थिंक ये रेंच कह रहे थे वो, और ये पेपरोनी विद व्हाट यू कॉल बीफ। यार एक और लिया था ना, पेपरोनी भी लिया था। हाँ नहीं नहीं, मैंने उसे कहा था यार बीफ वाला दे दो। यस यस, सो ये बीफ वाला उन्होंने दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक स्लाइस है ना ये 17 रियाल का है। वैसे स्लाइस काफी बड़ा है, एक आदमी के लिए इनफ रहता है। डिलीशियस, खासकर जो बीफ पेपरोनी वाला, इट्स अमेजिंग, टेस्ट इज ऑन अनदर लेवल। वाह। ये है जी मार्गरिटा, यानी कि चीज वाला पिज्जा। चीज वाला पिज्जा भी मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में। बस पूरे पूरे आई थिंक
मस्जिद हराम के पास जितने भी पिज्जा शॉप्स है ना, इनका पिज्जा नंबर वन है विदाउट एनी डॉट. ऑफ कोर्स अगेन मेरे नजदीक, मेरे नजदीक मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्या कुछ लोग नापसंद करते होंगे, आई हैव नो आइडिया, इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड मेरे नजदीक. जबरदस्त रैंच भी अच्छा होगा इनका. ऑफ कोर्स रैंच इस तरह दिखता है जबरदस्त अंदाज में, और इसके साथ चिकन देते हैं ये लोग. डिलीशियस अमेजिंग, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स. पिज्जे के बाद अभी हमारी बारी है कि ये देसी खाने की, चटपटे मसाले वाले खाने की. ये है जी वो चटपटा मसाले वाला खाना. क्या आपको पता है ये क्यों लगाते हैं ये लोग? क्योंकि सेफ्टी की वजह से. ये एक ही मर्तबा खुलता है. समोसे इसमें डाल के दिए. लुक एट द प्रेजेंटेशन, जबरदस्त किस्म की. काफी बड़ा साइज है इस प्लेट का. अच्छा है, आई थिंक एक दो आदमी आराम और सुकून के साथ खा सकते हैं. रायता जबरदस्त. अगर आपको ये क्लॉक टावर पे रायता विद बिरयानी विद समोसे मिल जाए, और एक पानी भी दिया इन्होंने हमें. सो सबसे पहले है समोसा, संबोसा. ओए होए होए होए, क्या स्टाइल है खोलने का. ये हो गया जी, खोल गया संबोसा. जबरदस्त. इसके अंदर भी और कुछ, वाह जबरदस्त है बॉस. ये मिंट रेंच क्या होता है? तो पहली मरतबा देखा है मैंने. मेरे ख्याल से सब्ज चटनी को कहते हैं. इस ट्रायंगल शेप के अंदर ट्रायंगल संबोसे. अभी तक जितनी भी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है ना, वो इनकी जबरदस्त है. लुक एट द क्यूट संबोसा, स्मॉल संबोसा. गाइस संबोसे का साइज देख के ना मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है. बिल्कुल छोटा सा है. अनब्रेक करते हैं या इसको ब्रेक करते हैं? बिस्मिल्लाह. ओह ये चिकन वाला है. ओह मसालेदार हल्दी वाली चिकन. इसके अंदर मिर्ची भी होगी ऑफकोर्स. ये जो उन्होंने कहा है मिंट रेंच, इसको खोलते हैं. और एज एक्सपेक्टेड ग्रीन चटनी. संबोसे को ले जी आप, ग्रीन चटनी के अंदर डिबोए 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 और डिबोते ही रहे. बिस्मिल्ला. मुझे ये पता है कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मस्जिद हराम के पास जो है ना हमें चटपटा मसालेदार खाना नहीं मिलता, बट ये क्योंकि अंदर करके है ना थोड़ा, तो हर आदमी को नहीं पता चलता. इट्स अनदर लेवल यार. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. ये तो अभी समोसा है. अभी इनके जो मेन आइटम है वो ट्राई करते हैं, बिरयानी विद बटर चिकन. अब इधर लोग आएंगे मुझे अक्सर कि भाई आप खड़े होके क्यों खा रहे थे, खड़े होके पानी क्यों पी रहे थे. तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे पास इससे ज्यादा लाइटिंग वाली अच्छी जगह कोई नहीं थी. यहाँ पे स्टैंड भी नहीं था, ट्राइपॉड भी नहीं था. तो माजरत, नेक्स्ट टाइम जो है ना बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह. ये भी मैं खाना नहीं कर रहा, सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ. खाने इसके बाद खाऊंगा आराम उसको उनसे बैठ. ओके सो डोंट स्ट्रेस आउट. अब बारी आ गई है जी इस डब्बे को अनपैक करने की. इसके ऊपर लिखा हुआ है जी मसाला. चिकन है ये, अलबत्त उन्होंने टिक नहीं किया हुआ. अगर बीफ होता तो बीफ को टिक करते. ओए हो, मसाला जो है ना थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया. नॉर्मली ये इसके बीच में इस तरह करके देते रहते हैं ये, क्योंकि जब आप खोलें इसको, इस तरह खोल के इसको मिक्स करें. साथ में इन्होंने चम्मच भी दी हुई है, काली चम्मच. बिरयानी की लुक्स तो देखें, लेकिन ये वाला जो बिरयानी है ना बासमती चावल की है, ज़बरदस्त किस्म के, यानी सिला चावल नहीं है. और ये करी है, यानी कि हमारा सालन. अब यहाँ पे मैं ये बात बताया चलूँ कि सऊदी अरब में इतने ज्यादा मसाले नहीं खाए जाते, इसीलिए मसाले कम रखते हैं. लेकिन इन्होंने साथ में जो है ना चटनी दी हुई है. ये चटनी देने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हमारे जो देसी है ना वो मिर्ची को एनहेंस कर सकें. तो बिस्मिल्लाह. ये हमने मिर्ची ली, ये मसाला थोड़ा सा उसके ऊपर डाला, चावल को मिक्स किया. यहाँ से हमने थोड़ी सी चिकन की तरह ये चिकन ली, ये भी इसके ऊपर डाली, और फिर ये हमने बाइट बनाया. ये बाइट बनता है जी हमारा. बिस्मिल्लाह. ऑफ कोर्स ये बिरयानी उस तरह की बिरयानी नहीं है जो हमें मिलती रहती है रेस्टोरेंट में, बट स्टिल अगर आप आसपास को देखा जाए, उस एरिया को देखा जाए, तो इट रियली रियली टेस्टी. स्पाइसेस भी हैं, मसालेदार भी लग रही है, और बिरयानी की टेस्ट को काफी हद तक सेटिस्फाई भी करती है. इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी वेरी टेस्टी. अच्छा जी यहाँ पे ये योगर्ट भी देते हैं इसके साथ. योगर्ट मैंने पहले किया ही नहीं. ये हम लोग योगर्ट लेंगे. ये है प्यारा सा योगर्ट, यानी कि हमारा दही, और इसको इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम लोग मिक्स करेंगे बड़े जबरदस्त अंदाज में. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिलीशियस. ये थे रिव्यूज. मेरे नजदीक नंबर वन पे ऑफकोर्स मसालेदार जो चटपटी चीजें जो हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिला क्लॉक टावर में, नंबर वन. बाकी सब कुछ नंबर टू. सब कुछ डिलीशियस था. ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है. Try to share as much as you can, क्योंकि अक्सर लोगों को आके यहाँ पे प्रॉब्लम होती है खाने पीने के लिए. ये था मेरा वीडियो सेटअप जी. ये एक टेबल रखा, ऊपर दूसरा टेबल रखा, विंडो को लाइट सोर्स बनाया, वहाँ पे कैमरा रखा, और फिर वीडियो बनाई. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग. भाई को दुआ में याद रखना. See you soon in next vlog. Take care. अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब कर लेना.